नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच द ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम की पहली पारी 191 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतकीय पारी खेली। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेल टीम इंडिया को पहली पारी में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा है कि जिस चीज की उम्मीद हम बैटिंग में ऋषभ पंत से कर रहे थे वो काम शार्दुल ठाकुर ने किया। क्रिकबस पर बातचीत के दौरान जहीर खान ने शार्दुल ठाकुर के अर्धशतक को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने एक अलग ही तरह की बैटिंग देखी। शार्दुल ठाकुर ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने पूरी तरह से काउंटर अटैक किया। उन्होंने वो काम किया जिसकी उम्मीद हम ऋषभ पंत से कर रहे थे। पूरे ग्राउंड में उन्होंने जबरदस्त तरीके से शॉट लगाए। उनके बेहतरीन पारी की बदौलत भारत ने पहले दिन मोमेंटम हासिल किया। हमने हेडिंगले में देखा था कि बल्लेबाज धाराशायी होने के बाद हर बार गेंदबाज आपको नहीं बचा पाएंगे। शार्दुल ठाकुर की पारी की वजह से भारतीय टीम को लड़ने लायक स्कोर मिला। आपको बता दें कि ओवल मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय पारी लड़खड़ा गई। कप्तान विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर नहीं खेल सका और नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 127 रन तक सात बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने वैसी ही पारी खेली जैसी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पर खेली। उन्होंने सिर्फ 31 गेंद पर अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। यह इंग्लैंड में किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। बहरहाल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच पर एक नजर डाले तो पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस इंग्लैंड ने जीता। भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित। टीम इंडिया ने पहली पारी में शार्दुल ठाकुर के शानदार 50 की बदौलत 191 रन बनाए। पहली पारी में इंग्लैंड 93 रन अभी तक बना चुकी है तो वहीं उसने तीन महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।